नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिडवेब्स, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कैप्चरिंग फ्रॉम रील टू रियल। प्री बुकिंग विल गेट 20% डिस्काउंट। पूरे राज्य में हिंसा के बीच पहाड़ पर चल रहा शांतिपूर्ण मतदान। पहाड़ों पर सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश शुरू होने के बावजूद पहाड़वासी उत्सव के मूड में मतदान करते नजर आ रहे हैं। इसका कारण है कि 22 साल के बाद पहाड़ में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वो भी दो स्तरीय नहीं, तीन स्तरीय। पहाड़ का राजनीतिक समीकरण भी राज्य के समीकरण से काफ़ी अलग है। वहाँ लड़ाई मुख्य रूप से भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस गठबंधन की मुख्य विपक्षी भाजपा सहित 8 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के गठबंधन के साथ है। पिछले पंचायत चुनाव में पहाड़ों पर GNLF का स्पष्ट दबाव था और अब हिल रस अनित थापा के BJPM के हाथों में है, लेकिन पंचायत चुनाव में सत्ता किसकी होगी ये देखने वाली बात है। देखिए, अभी मुझे जो लगता है तिरकाली झोड़ा तो शायद 23 वर्ष नहीं 17 वर्ष से सुन रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो GTA फॉर्म हुआ था उससे पहले यहाँ पे 2 साल शायद 2 बार पंचायत चुनाव हो चुका है। लेकिन उसके बाद जो काली झोड़ा का जो लोकल जो पब्लिक है, जो नॉर्मल जो साधारण जो लोग है, वो वंचित हो रहा था, क्योंकि जितना भी गाँव का विकास होना है, ये सब होना है, तो वो भाया पंचायत के थ्रू ही होना है। क्योंकि इससे पहले जो DGSC था, उसके बाद आपका आया GTA, तो उसके हम लोग काली झोड़ा, बाकी पता नहीं है, वो अपना सोच है बाकी गांव में क्या है क्या नहीं, लेकिन काली झोड़ा बहुत वंचित है ये सब जो सुविधा वगैरह, ये सब रेसिडेंशियल आपका हर चीज़ जो पंचायत से जो डॉक्यूमेंटेशन का काम वगैरह थे, ये सब से बहुत आगे पीछे हो चुका था। जी, अभी मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा, यहाँ पे चुनाव कैसे हो रहा है? चुनाव एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। अभी सुबह 7 बजे से हम लोग भी शुरू किए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा आके के आ रहा है, अभी एकदम ठीक चल रहा है। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी बूथ संख्या 307 के 19 में मतपेटी में पानी डालने के आरोप पर मतदान रुका। फुलबाड़ी बूथ संख्या 307 के 19 में गठबंधन प्रत्याशी द्वारा मतपेटी में पानी डालने के आरोप पर मतदान रुक गया। पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तृणमूल की ओर से आरोप लगाया गया है कि तृणमूल और गठबंधन उम्मीदवार के बीच असहमति के कारण गठबंधन उम्मीदवार ने मतपेटी में पानी डाला और मतपेटी को बूथ से बाहर फेंक दिया। लेकिन गठबंधन उम्मीदवार ने बताया कि तृणमूल के समर्थक मतदान केंद्र में लोगों को तृणमूल को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मतपेटी में पानी किसने डाला। सिलीगुड़ी के व्यवसायी प्रभाकर सिंह अपहरण कांड में मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले 24 जून को सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 46 के चंपासारी रोड पर बदमाशों के एक समूह ने व्यवसायी प्रभाकर सिंह को अपहरण कर लिया था। जांच के बाद एक के बाद एक 5 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। आखिरकार घटना के करीब 2 हफ्ते के अंदर पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रभाकर सिंह का अपहरण उसके दोस्त ने पैसे के लिए किया था। आरोपी नवलेश कुमार भी रेगुलेटेड मार्केट का व्यापारी है। प्रभाकर सिंह ने कारोबार के लिए नवलेश को बड़ी रकम दी थी। रकम मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद नवलेश ने प्रभाकर सिंह का अपहरण कर लिया था। मतदान प्रक्रिया देखने पहुंची डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा की विधायक शिखा चटर्जी। राज्य भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। जिले में चल रहे आतंक के बावजूद जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम 2 नंबर ग्राम पंचायत के शांतिनगर प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 19 के 46 और 47 पर शांतिपूर्वक मतदान चला। इस दिन डाबग्राम फुलबाड़ी के विधायक शिखा चटर्जी ने बूथ का दौरा किया। वहीं बूथ के सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस के ग्राम पंचायत उम्मीदवार सागर महंत शिखा चटर्जी के पैर छूते दिखे। পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানে প্রহসন। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ভোট হবে, মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারবে, কিন্তু এখন দেখলাম ওই এক সিভিক ভলেন্টিয়ার যা অ্যালাও হয় না ইলেকশনে, যেটা নাকি অ্যালাও নেই, যেটা গণতন্ত্র মানে অধিকারটাকে খর্ব করা এটা, আর তার সঙ্গে একটা মরা পুলিশ,
মানে কোনো ব্যাপার না, ভোটটা কোনো ব্যাপার না, এখানে ছেলে খেলা হবে। তারপরে এরপরে কর্পোরেশনে যেরকমভাবে বাক্স লুট হয়েছিল, এখানে ভোট করে গিয়ে এখানে পারলো ভালো, না পারলো বাক্স লুট ভালো, এইছাড়া আমরা বুঝে গেছি। সুতরাং এই এটা একটা ছেলে খেলা ছাড়া কিছু হচ্ছে না। তারপরে এখানে 1300 সামথিং ভোটার, এত বড় একটা লাইন, কোনো অক্সিলারি বুথ এখানে দেওয়া হয়নি, মানুষজন কষ্ট পাচ্ছে। ভোট মানে এটা ভোট হচ্ছে না, আমি যা দেখে গেলাম। প্রথমত বলে নেই, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের, আমি 1945 পাতের প্রার্থী এবং সাংগঠনিক দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক আমি সাগর মোহন। তো মানুষ দেখছে, গণতন্ত্র প্রিয় যারা মানুষ, যারা ভোটার, তারা দেখছে কীভাবে ভোটটা হচ্ছে, পিসফুল ভোট হচ্ছে এবং শান্তিপ্রিয় ভোট হচ্ছে। আর যারা গণতন্ত্রকে আগে থেকেই বিশ্বাস করেনি বা করে না, তাদের মুখ দিয়ে এইসব কথা বাড়াবে, ফলে সেই কথায় আমাদের কোনো যায় আসে না। আমরা সুষ্ঠু গণতন্ত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভোট হচ্ছে এবং আমাদের বিভিন্ন যারা সাংগঠনিক দলগুলো আছে, সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেস, আমরা প্রত্যেকটা প্রার্থী এখানটা গণতন্ত্রের উৎসব হচ্ছে। কিন্তু কেউ এসে যদি একটা উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে যায়, সেটা তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলেছে, কিন্তু তৃণমূল এটাতে বিশ্বাস করে না। মালদা মে বোমবারি, এক কি মত, ছয় ঘায়ল। মালদা মে পঞ্চায়েত চুনাব কে বিচ মালদা কে মানিকচক কে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কে জিসারত টোলা ইলাকে মে ভারী বোমবারি কি খবর হ্যায়। বোমবারি কে পিছে সত্তাধারী তৃণমূল কো সমর্থকো কা হাত বতায়া যা রাহা হ্যায়। ইস হাদসে মে এক ব্যক্তি কি মত হো গই। মৃত ব্যক্তি কা নাম শেখ মালিক হ্যায়, জবকি সফিকুল ইসলাম সমেত ছয় লোক ঘায়ল হো গয়ে হ্যায়। घटना के बाद इलाके में भारी दहशत देखी जा रही है, पुलिस इलाके में तैनात है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट accumulate नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हेयर। ये एक टीकूड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास, इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी, इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैशमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। दिस इज अ CNC डोर विद 3D डिजाइन। Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving kari bhi hai is par. This all is available under one roof at 7 Concepts, located at Parnami Mandir Road. Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches, salary 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday, at Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall decoration from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Tina ka ghar banane ka total samadhan. Bajar bhav se hamare yahan kifayati dam. घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd Mile, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ।
अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम प्लेनेट मॉल सेवोक रोड सिलीगुड़ी। सम्झना होस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड सरकार 200 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कुछ बिहार में उपद्रवियों की पिटाई से दो तृणमूल कार्यकर्ता घायल। दिनहाटा ब्लॉक 2 नंबर के साहेबगंज ग्राम पंचायत के बूथ पर उपद्रवियों के खिलाफ तृणमूल कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित अमलगीर शेख ने बताया कि वह साहेबगंज ग्राम पंचायत के बूथ पर वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे, तभी बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। उनकी पिटाई से दो तृणमूल कार्यकर्ता अलीम शेख घायल हो गए। उन्हें बचा लिया गया और इलाज के लिए दिनहाटा महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीपुरद्वार जिले के चाय बागान में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बैग में मिला मतपत्र। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक के भाटपाड़ा चाय बागान में लगभग 1 घंटे तक बंद रहा मतदान। बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत है कि 173 मतदाताओं ने मतदान किया है, लेकिन 400 मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी की शिकायत है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बैग को मतपत्र के काउंटर पार्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सभी आरोपों से इनकार किया है। फिलहाल वोटिंग बंद है। सैकड़ों मतदाता मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं और वोट का इंतजार कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये सब होता है वोट नहीं। वोट कितना हुआ आपका? आप लोग वोट कितना हुआ? लगभग 173। बैलेट कितना है? बैलेट यहाँ पे 300 है। मतलब कितना का हिसाब नहीं मिला? 373। कितना का हिसाब नहीं मिला? यहाँ पंचायत का 200 का हिसाब नहीं मिला। यहाँ पे समिति का 300-400 और जिला परिषद का वैसे ही। मतलब कितना का हिसाब नहीं मिल रहा है? 400 वोट का हिसाब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अभी हो रहा है ना? बंद है। बंद है अभी। बंद है क्यों? बंद कर दिया है। झमेला से। आप कब से? आप लोग कितना घंटा हुआ बैठा है आप लोग? अभी 5 घंटा। 5 घंटा से बैठा है बारिश में? बारिश में वोट दे नहीं सक रहा है। गड्ढे में फेंका मत पेटी, आपस में भिड़े निर्दल और तृणमूल कार्यकर्ता। इस्लामपुर में राजगंज 2 नंबर ग्राम पंचायत के बरंगाछ बूथ पर बदमाशों ने मत पेटी लूट कर सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दी। घटना को लेकर निर्दलीय और तृणमूल कांग्रेस के बीच झड़प शुरू हो गई है। उस क्षेत्र में पंचायत समिति के निर्दलीय उम्मीदवार रफीक आलम ने शिकायत की है कि हमने उस बूथ पर गड़बड़ी की आशंका को महसूस करते हुए स्थानीय चुनाव आयोग कार्यालय को फोन किया, फिर केंद्रीय बल आए। जैसे ही केंद्रीय बल चले गए, तृणमूल कार्यकर्ता हार के डर से बूथ में प्रवेश किया और मतपेटी लूट ली और उसे पास के गड्ढे में फेंक दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपों की जिम्मेदारी से इनकार किया। घटना के बाद इलाके में काफी माहौल तनावपूर्ण रहा। भांगचुर हल प्रथम केंद्रीय बाहन छो तरह जावेदर लोग निर्दलीय लोग आसल और संगे 5 मिनट थामल 10 मिनट थामार पर चले गल
যাওয়ার পরে এরা পাঁচ মিনিট পরে আবার ছাপা করতে ধুয়ে গেল। এরা বাইরে থেকে লোক আসছিল, কিন্তু জালাল ছিল, মেদুলের রামা ছিল। তারা কিন্তু অভিযোগ করছে আপনাদের বিরুদ্ধে, আপনারা নাকি ছাপা ভোট করছিলেন? না, আমরা ছাপা ভোট করছি, আমাদের কাছে ভিডিও আছে, সব কিছু আছে আমাদের কাছে, আমাদের লোক ছিল না ভিতরে। ব্যালট বাক্স জলে কে ডুবাইলো? ওদের লোক ডুবাইছে, ভিডিও আছে, সাদি ডুবাইছে। कुचबिहार में चुनावी घमासान, दिनहाटा व माथाभांगा में चली गोलियां, मतपेटी लूट। दिनहाटा माथाभांगा के विभिन्न बूथों पर गोलियां चली तो कहीं बमबारी हुई। तृणमूल भाजपा सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ता व मतदाता भी घटना में घायल हो गए। कुचबिहार के माथाभांगा में दो नंबर ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 228 पर बीजेपी पर बैलेट बॉक्स लूटने का आरोप लगा है। इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता विप्लव सान्याल को कथित तौर पर भाजपा के गुंडों ने गोली मार दी और बूथ के अंदर से मतपेटी लूट ली। बीजेपी लोग तो ना बीजेपी गुंडा थाना अभियोग की करे छे আপনাদের পরিবারে? না করে নাই, করব। প্ল্যান দিয়েছে কি আমাদের ভোটটা বেশি বড় পরিমাণে পড়ছিল আর কি? কার কার কোন পার্টি? বিজেপি। আর আর কি এমজি এর লোক অত্যাচারে মনে কর 200 লোক কোথায় গুন্ডা ভাড়া করে নিয়ে আসলো। কি করে এলো তালা? বাইকে করে? বাইক নিয়ে আসলো। কত আসলো জানি না, মাথা ভিতরে বুন্দি দিয়ে ঢুকলো। হ্যাঁ, ভিতরে আর খবর সব নিয়ে ভিতরে ঢুকে আর সব পুরো সাপ্পা। আপনি কিসের পার্টি? আমি বিজেপি। উত্তর দিনাজপুর জেলে মে কংগ্রেস তৃণমূল সংঘর্ষ মে এক কি মত। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में मतदान के दौरान कांग्रेस तृणमूल संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्वालपोखर विद्यानंदपुर में ग्राम पंचायत के बेबरा के 10 नंबर बूथ पर हिंसक झड़प घटना में निवर्तमान तृणमूल प्रधान के पति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोहम्मद सहनसा के तौर पर हुई है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद।